ढाका पूरा तैयार है और चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा सीए। एक बात बता, इस कानून का पहले भी विरोध करती थी, आज भी करती हूँ और डंके की चोट पे कह रही हूँ कि जब तक रहूंगी इनकी छाती पे मूंग धरती रहूंगी। उसी सदन में उन्होंने खड़ो कदो एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, बिलो पीछे ढकेला या नहीं ढकेला, और फिर कह रही हूँ फिर ढकेलूंगी पीछे। मैं एक हिंदू हूँ, इस देश में अगर मंदिर भी बनाए तो मस्जिद भी बनेगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में, या किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मांगेंगे जब हम जैसे पहले कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे और आज भी कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे। चुनाव सर पर है, इनको अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है। आप बताइए, ड्राइवर है वो भी सड़क पर है, किसान है वो भी सड़क पर है, नौजवान है वो भी सड़क पर है। भाई नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। इस वक्त मैं घंटाघर में हूं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं घंटाघर, ये वही घंटाघर है, ऐतिहासिक घंटाघर है जहां पर सीए को लेकर काफ़ी महिलाएं यहां पर प्रदर्शन पर बैठी हुई थी। लेकिन जब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीए फिर से लागू हो सकता है, हमारे साथ बात करने के लिए इरम रिजवी हैं जो प्रदर्शन में शामिल रही हैं, काफ़ी बेबाकी से ये बोल रही थी। इरम रिजवी जी, आपने सुनी लिया होगा, खाका पूरा तैयार है और चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा सीए। देखिए, ये चुनाव में एक तरह से नफरत की राजनीति करी जा रही है। चुनाव सर पर है, इनको अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है। आप बताइए, ड्राइवर है वो भी सड़क पर है, किसान है वो भी सड़क पर है, नौजवान है वो भी सड़क पर है। भाई साहब, उनके पास क्या रोजगार नहीं है? हर आदमी को आप नफरती उसमें कितना बांटेंगे, कितना नफरत में कहते हैं ना, मोहब्बत में बड़े असर होते हैं भाई साहब। नफरत कहते हैं, नफरत बुरी बला है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न इसका न उसका, ये सभी का हिंदुस्तान है, संभालो इसे। लेकिन बता रहे हैं कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा, तो इसमें क्या गलत है अब? अच्छा, एक बात बताइए, हम क्यों साबित करें कि हम यहाँ रहते, हम क्यों उनसे मांगने जाएं? हम क्या अपने देश में रह रहे उनसे भीख मांगेंगे? ये तीन जो बंदर आए हुए हैं, ये अपनी मनमानी चला रहे, अपनी हिटलरगिरी चला रहे, अपनी तानाशाही चला रहे, इनकी तानाशाही से डर जाएंगे। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो बाहर से आए हैं उन्हीं को, उन्हीं के लिए कानून है, जो देश के हैं उनके लिए कानून नहीं है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई साहब, हमें दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत तब होगी जब ये हमसे मांगेंगे, जब हम जैसे पहले कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे और आज भी कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे। ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, कागज नहीं दिखाएंगे, इनको जो करना है ये कर लें। अगर इनको समझ में आता है, भाई ये तो कहते हैं पाकिस्तान दुश्मन है और पाकिस्तान खुद ही चले जाते हैं बिरयानी खाने में, प्रधानमंत्री जी नौजवानों को रोजगार देंगे नहीं, और कहते हैं युवा जो है वो पकौड़ा तले। बताइए, एमटेक बीटेक करके कोई पकौड़ा तलेगा? तेल भी तो महंगा कर दिया आपने, पकौड़ा क्या पानी में तला जाएगा? अच्छा, अगर बात किया जाए 2019 में जब ये लागू करने की बात कही जा रही थी CA NRC, तब आप लोगों ने विरोध किया था, काफी बड़ा आंदोलन रहा, काफी देर तक आपका चला, काफी दिनों तक चला। अगर फिर लागू होता तो आगे का स्टैंड आप लोग का क्या रहेगा? एक बात बता दूं, ना पहले इस सरकार से डरी थी ना आज डरती हूँ। कल भी नकेल किया था, आज भी नकेल इस सरकार की नाक में करूंगी, और सीए जैसा कानून ना कभी पास हुआ है ना कभी पास होने दूंगी। घंटा घर में पुलिस भी तैनात कर दिया गया है। देखिये, खाकी जो है ना, ये कहते हैं ना कि गुंडाई खत्म हो गई है, भाई साहब गुंडाई खाकी में आ गई है। और ये जहाँ तक ये बात करते हैं ना डराने की, डराएं किसी और को जाकर, हम लोग मतलब जनता जो है ना, जनता ही उठा के बिठाती है, जनता ही उतार के इनको ना इनकी औकात याद दिला देगी, ये कहाँ से आए थे। तो 4 साल में आपने अपना पूरा कागज और दस्तावेज तैयार कर लिए हैं? ना पहले किया था ना आज करेंगे, है यही के नागरिक, ये अमित शाह हमें साबित करेंगे केस करके। टीजन अमेंडमेंट एक्ट से दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कागज दिखा देंगे तो क्या दिक्कत? दीजिए ना, रोजगार दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, रोजगार तो दीजिए हमारे नौजवानों को। लाठी बरसाएंगे, कहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई में आप कहीं छूट देते ना, ये ना बेटी छूट ना बेटा छूट, खाली कहेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बचाओ किससे? भाजपाइयों से बेटी बचाऊं भाई, किससे बचाऊं? ये उलझुल उलझुल हमारी महिला खिलाड़ियों को उठा के देख लीजिए, कितना बेइज्जत किया गया उनको। तो इस कानून का आप लोग फिर से विरोध करेंगे? इस कानून का पहले भी विरोध करती थी, आज भी करती हूँ, और डंके की चोट पे कह रही हूँ कि जब तक रहूंगी इनकी छाती पे मूंग धरती रहूंगी। जिन्होंने कहा था एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, उसी सदन में उन्होंने खड़ो कदो एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, बिलो पीछे ढकेला या नहीं ढकेला, और फिर कह रही हूँ फिर ढकेलूंगी पीछे। फिर उनको वापस जाना पड़ेगा, बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तकरार जनता की है। वो शायद भूल गए हैं कि वो गृह मंत्री बने हैं, या वो प्रधानमंत्री बने तो कहाँ से बने हैं, ये जनता के वोट से बने हैं, और जनता खैरात में नहीं मिला है उनको,
या हम यहाँ रह रहे हम खैरात में नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। तो फिर उसी तरीके से आप बड़ा आंदोलन करेंगे? बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हिंदुस्तान में है। फिर उसी तरह होगा 2019 की तरह जैसे आप लोगों ने हुंकार भरा था? उससे भी तगड़ी हुंकार भरेंगे, उससे भी तगड़ी हुंकार भरेंगे, और बॉर्डर से भी पुलिस मंगाएंगे तब भी कम पड़ जाएगा। और इस बार हम जेल भरो आंदोलन कर देंगे, कह दीजिएगा उनसे कि जाके जेल बनवा लेंगे, अपनी जेलों में जगह कर लेंगे और हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, इस बार उनके छक्के छोड़ा देंगे। आर्यन मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। आर्यन मिश्रा, सूत्रों से खबर आ रही है कि CA जो है फिर से लागू करने के तैयारी में सरकार जुट गई है, ये 2024 से पहले लागू कर देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुद्दे से भटकाने का कार है, महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों की शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य से मुद्दे को भटकाने का सरकार प्रयास कर रही है। मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ, फरेब, मक्कारी मोदी जी को आती है। जुमला खत्म हो जाए और झूठ खत्म हो जाए तो मोदी जी 5 मिनट बोल नहीं पाएंगे। दूसरी बात मुझे बताइए कि आप एक पत्रकार हैं जी, 2014 के पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2014 से 2024 तक एक भी मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। तो CA से दिक्कत क्या है, आप इसको मोदी जी के बीच में क्यों ले आए, मोदी जी को बीच में क्यों ले आए? नहीं है दिक्कत, तो मोदी जी से सबको है, नियत से है, उनकी नियत से है, उनकी नियत में खोट है, अमित शाह की नियत में खोट है। मुझे बताइए, संकल्प उठा के देखें 2014 का या 2019 का, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ मिला है? राम मंदिर तो मिल गया है, आप मिश्रा है राम, देखिए बता दें आपको, राम मंदिर आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। मैं एक हिंदू हूँ, इस देश में अगर मंदिर भी बना है तो मस्जिद भी बनेगा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में, या किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये सभी का खून शामिल है, ये मोदी जी की देन नहीं। आप मिश्रा है, आपको क्या दिक्कत है CA से, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना कि हर हिंदू मोदी का भक्त हो, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन मोदी जी वाले नहीं हैं। मैं सच में, मुझे बताइए, मैं युवा हूँ, रोजगार कहाँ है मोदी जी, शिक्षा कहाँ है, विश्वविद्यालय में शिक्षा कहाँ है, बहनों की सुरक्षा कहाँ है? मणिपुर में मोदी जी परसों गए थे, भाषण का भाषण आपने सुना होगा, 4 लोग की मृत्यु हो गई, मोदी जी बोल नहीं पाए, मौन व्रत है क्या मोदी जी कि बोल नहीं पाएंगे, कि मुंह पे टेप लगा हुआ है, कि दही जम गया है इनकी मुंह पे, मुंह में मोदी जी के दही जमा है। जब महिलाओं की बात आती है ना, मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है, कहते हैं ना बोलेंगे तो दही फट जाएगा, जमेगा नहीं, तो वैसे ही वो जो है उनके मुंह में दही जमा हुआ है। कि जब लेकिन की बात आती है ना तो वो सिर्फ पोस्टर पे लिखा हुआ नजर आता है, क्योंकि मुंह से तो कुछ बोल पाएंगे नहीं, और वो कुछ भी कहेंगे वो, अब तो बाद में अमित शाह आ जाएंगे और बोलेंगे वो तो चुनावी जुमला था। आप बताइए कि महिलाओं को सुरक्षा कहाँ मिल रही, अभी आप देखिए कि 3 जो IT सेल, भाजपा के IT सेल वालों ने बेचू की छात्रा के साथ, और आप बताओ मुझे कि उसको न्याय मिला? भाई साहब, आप नीचे से ऊपर तक उठाकर देख लीजिए, ये बेटी बचाओ जो निकला था ना, वो ये था कि बेटी बचाओ भाजपाइयों से, ये गलत था, सिर्फ बेटी बचाओ आदमी पढ़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये CA पर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि CA जो है आप सवाल कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, CA पर आप लोगों को दिक्कत क्या है? मिश्रा जी दिक्कत क्या है CA पर? अरे पर सबसे पहले मेरा सवाल तो ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी बताएं कि जो BHU की छात्रा के साथ जो घिनौनी हरकत हुई थी वो भाजपा के 3 लोगों ने करी थी, IT सेल के लोगों ने करी थी, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा मुख्यमंत्री जी बताएं? अगर यही कोई भी अन्य पार्टी का नेता या कार्यकर्ता उसमें लिप्त पाता तो अब तक शायद वो देश विरोधी हो जाता, राष्ट्रद्रोह लग जाता और घर पर बुलडोजर चल जाता, और आप लोग वाहवाही लूट रहे होते। घर पे छोड़िए, उसके खुद के घर नहीं, उसके खानदान को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसके तार कहां से जोड़े जाते ये पता नहीं चलता, मतलब बता नहीं पाते आज हम आपके सामने खड़े होकर उसके तार कहां जुड़ते। लेकिन क्योंकि वो भाजपा कहते हैं, इनके पास एक ऐसी मशीन है ना, कुछ भी करके आओ भाई साहब, लूट करो, घसोट करो, बलात्कार करो, पर भाजपा में रहो तो एकदम राम राम सत्य, कुछ नहीं होता, एकदम सही, एकदम